और इसी बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बड़ी कार्रवाई उन पर की है। आलोक शर्मा के खिलाफ आयोग ने जांच बिठाई है। एमपी के मुख्य सचिव से 21 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने शिकायत की थी। मुस्लिम समुदाय पर आलोक शर्मा ने एक विवादित बयान दिया था। भोपाल उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने शिकायत की है और इस शिकायत पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयान को लेकर आलोक शर्मा के खिलाफ आयोग ने जांच बिठा दी है और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने 21 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें आपको कि आलोक शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मुसलमानों से वोट न डालने की अपील की थी। देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि दुखद बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे सांप्रदायिकता से भरे बयान के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। उनसे शिकायत करी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। कम से कम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हमारी शिकायत के ऊपर संज्ञान लेके मुख्य सचिव महोदय को मध्य प्रदेश की लिखा है कि 21 दिन के अंदर वो जांच करके रिपोर्ट दें कि आलोक शर्मा जी ने क्या सांप्रदायिकता से भरा बयान दिया था। बीजेपी ने तो उनको टिकट से नवाज दिया ऐसे बयान के बाद। उम्मीद करते हैं कि बिना किसी पक्षपात के मुख्य सचिव महोदय अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और एक ऐसी रिपोर्ट जाएगी, डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसमें आलोक शर्मा जी ने जो जो बयान दिया, जिस तरह का बयान दिया, उसका विवरण पूरा होगा। और चलिए इसी बीच बालाघाट से